स्टेट ब्रेक डाउन सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड हाई लाइटिंग द टॉपिक ऑफ स्टेट ब्रेक डाउन अब स्टेट हम सब जानते हैं इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंटिटी इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो चार कॉम्पोनेंट जिनकी हर कोई बात करता है मुख्तलिफ जो पोलिटिकल फिलासफर्स हैं उनका कंसेंसिस है और आज भी स्टेट जहाँ पर होगी उसके चार बेसिक पिलर्स होंगे यानी टेरिटरी चाहिए है वाम पापुलेशन गवर्नमेंट एंड सॉवरनिटी यानी ये चार एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो स्टेट जो है वो कायम हो सकती है और इंटरनेशनल लॉ उसको रिकोगग्नाइज करेगा इन चारों में से अगर किसी को भी थ्रेटनड हो अगर चारों के अंदर कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा तो वो स्टेट नहीं डिक्लेयर होगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ तो फिर देन व्हाट इज़ स्टेट ब्रेक डाउन तो अंडर इंटरनेशनल लॉ अ स्टेट इज एन एंटिटी दैट हैज़ अ डिफाइंड टेरिटरी एंड अ परमानेंट पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट एंड दैट इंगेजेस इन और हैज़ द कैपेसिटी टू इंगेज इन फॉर्मल रिलेशंस विद अदर सच एंटिटीज यानी स्टेट के दूसरी रियास्तों के साथ ताल्लुक भी तभी कायम होंगे जब उसके पास से चारों कॉम्पोनेंट होंगे और वो इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाएगी द डिसंटिग्रेशन ऑफ़ स्टेट स्ट्रक्चर सीम्स टू अकर वेन द थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट ऑफ स्टेट हुड अ गवर्नमेंट इन इफेक्टिव कंट्रोल फेल्स अवेट अब आमतौर पर जो स्टेट की डिसंटीग्रेशन है वो कब होती है जब स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट का एलिमेंट है वो उस पर से निकल जाए यानी वो अपना कंट्रोल लूज कर दे आ सिचुएशन ऑफ दिस टाइप हैज़ रूट्स दैट वो मच डीपर देन अ मोर रिबेलन और कु अब गवर्नमेंट जो है वो आम हालात भी ऐसे होते हैं जैसे अगर कू हो जाए यानी कोई मिलिट्री डिक्टेटर जो है वो गवर्नमेंट का इख्तियार संभाल ले या बगावत हो जाए तो भी गवर्नमेंट को ख़तरात होते हैं लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो जाती है गवर्नमेंट की पावर किसी न किसी शक्ल में किसी के पास रहती है तो इसका मतलब यह है कि स्टेट ब्रेक डाउन के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी का सीन से गायब होना जरूरी है सो इट इन्वॉल्व द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी लॉ एंड ऑर्डर इन शॉर्ट द बॉडी पॉलिटिक्स एज अ होल गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं इट ऑल्सो एम्प्लाइज द ब्रेक डाउन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑन विच द स्टेट्स लिजिटमेसी इज बेस्ड ऑफन रिजल्टिंग इन विदड्रॉल ऑफ द पॉपुलेशन इन टू अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन और एथनिक एफिलिएशन एंड विच बिकम्स अ रेजिड्यूल एंड वायबल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन होगी उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रायोरिटीज होती हैं लेकिन एक नेशनलिज़म का फैक्टर है नेशनलिज़म रिलीजियस भी हो सकता है एथनिक हो सकता है लैंग्वेज बेसिस पर हो सकता है कल्चरल एफिलिएशन की बेस पर भी हो सकता है सो इन मोस्ट केसेज स्टेट स्ट्रक्चरस को द मैंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज अदर फॉर्म ऑफ अथॉरिटी फॉल इन टू देंड्स ऑफ वेरियस फेक्शंस बेसिकली अगर गवर्नमेंट या स्टेट जो है उसका स्ट्रक्चर को लेब्स करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वेरियस अब सेगमेंट्स ऑफ अथॉरिटी हो गए यानी एक सिंगल जो अथॉरिटी थी जो सबको साथ लेकर चल रही थी जब वो अथॉरिटी बीच में से साइड पर हो जाएगी तो अब सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं और हर कोई अपने लिए डोमिनेटिंग पोजीशन डोमिनेटिंग रोल की डिज़ायर करेगा सो दैट स्टेट डज नॉट फिजिकली डिसपियर बट ग्रेजुअली लूज इज़ द कैपेसिटी टू कैरी आउट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया से ही ख़त्म हो जाना है जाहिर एरिया भी होगा पॉपुलेशन भी होगी लेकिन गवर्नमेंट के निकल जाने से क्या होगा कि अब जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाएंगे कि अब कौन संभालेगा गवर्नमेंट का अथॉरिटी किसके पास है बेसिकली सो द रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस विच आर ऑफन वन ऑफ द ओनली इंस्टीट्यूशन रिमेनिंग इन दीज वीकेंड स्टेट्स ऑल्सो ग्रेजुअली फॉल अ पार्ट आम पर यह होता है कि जहाँ गवर्नमेंट वीक होती है वहाँ आर्मी का इंस्टीट्यूशन मजबूती से कायम रहता है लेकिन बाजुकात सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है कि आर्मी की जो पावर है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है सो दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग डेवलपमेंट बिकॉज देन प्राइवेट आर्मीज दे बिगन टू ऑपरेट और फिर जो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है पूरे मुल्क के अंदर जो वेरियस पॉकेट्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं उन एरियाज के अंदर और फिर क्योस एंड क्राइम दे uh, बिगन और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं और फिर जो यूमानिटेरियन ऑर्गनइजेशनस होती हैं वो अपनी तरफ़ से ये कोशिश करती हैं कि उस वक्त वहाँ लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लोगों की मदद की जाए क्योंकि इस सारी सिचुएशन का सबसे ज़्यादा नुकसान किस हो रहा होता है वो आम लोगों को होता है क्योंकि उनकी ज़रूरियात उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल तरीन हो जाती है और फिर बाज़ात ये जो कॉन्फ्लिक्स होते हैं ये डी या नार्क सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और ऐसी सिचुएशन में बाज़ात हमने दुनिया में ये भी देखा कि स्टेट जो है वो डिवाइड हो गई और फिर एक स्टेट से कुछ नई स्टेट्स जो हैं उन्होंने उनकी इमरजेंस हो गई